नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। राइस न्यूज बिहार नगर निकाय चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची सीवान, जहां नगर पंचायत बढ़रिया से श्रीमती प्रभा देवी भावी चेयरमैन प्रत्याशी हैं। प्रभा देवी इलाके के बड़े समाज सेवी व पूर्व मुखिया सुनील कुमार की मां हैं। सुनील कुमार को इलाके में लोग विकास पुरुष की संज्ञा देते हैं। कोरोना काल में जब बहुत से लोग बेरोजगार हो गए थे, तो सुनील कुमार ने इलाके के गरीब बेरोजगारों के लिए अपनी तिजोरी खोल दी थी। इसी तरह सीवान में बाढ़ के समय सुनील ने घर घर जाकर लोगों को राशन मुहैया करवाया था। सुनील कुमार कहते हैं कि अगर उनकी मां प्रभा देवी बढ़रिया नगर पंचायत की चेयरमैन बनी तो इलाके में विकास की गंगा बहेगी। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार, राइ न्यूज में स्वागत है आपके। आज सीवान जिला प्रखंड बढ़रिया नगर पंचायत बढ़रिया में प्रभा देवी ने यहाँ पे चेयरमैन से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुकी है। मेरे सामने यहाँ पे प्रभा देवी के पुत्र सुनील, पूर्व मुखिया सुनील कुमार ने यहाँ पे उपस्थित है। उन्होंने अपने माँ को नगर परिषद बढ़रिया से चेयरमैन से चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। मेरे सामने यहाँ प्रभा देवी उपस्थित है, इसे परिचय लेना चाहिए। अपना नाम बताए। आपने नगर परिषद बढ़रिया से विकास किस तरह से करने का काम कीजिएगा? विकास आगे करेंगे। चलिए, मेरे सामने यहाँ पे पूर्व मुखिया सुनील कुमार यहाँ पे उपस्थित है। किस तरह से यहाँ बढ़रिया का विकास करने का काम करेंगे, ये अपना परिचय दें। सुनील कुमार, पूर्व मुखिया बढ़रिया सदर। मैं नगर पंचायत को एक ही लक्ष्य रखा है, सिर्फ विकास करना ही मेरा लक्ष्य है। जो कि 2011 में मैं मुखिया, मेरे नगर पंचायत के लोगों ने मुझे भारी मतों से विजयी बनाया था। उस समय बहुत सारे विकास किए, जो कि नाला, बिजली और सड़क निर्माण किए। और आगे मेरा उद्देश्य है, जो बढ़रिया में बहुत सारे कचरा और रोड पे बहुत सारे कचरे लगे हुए हैं, पानी जल जमाव लगा हुआ है, इसको हम बहुत अच्छा से नगर पंचायत को मैं बनाना चाहता हूं। और दो तीन मेरा बहुत ज़्यादा मैं उस पर फोकस रहेगा। सबसे पहले नगर पंचायत में साफ सुथरा और रोड और नाला का निर्माण होगा। बिजली जो गरीबों के में बहुत सारे समस्या है, जो कि 2-4 साल से लगा हुआ है, उसका बिल 50-60 हज़ार रुपया आ रहा है। उसमें हमें अपने तरफ से बहुत सारे उसमें बिंदु रखे हैं, जो कि सबसे पहले मैं स्कूल चीफ इंजीनियर से मिलकर उस बिल को, गरीबों का मदद करने का काम करूँगा। और राशन कार्ड तो बन गया, लेकिन उस गरीब को राशन नहीं मिल रहा है, उसका भी मेरा प्राथमिकता रहेगा कि हर एक गरीब को राशन मिले और उस गरीब को इंदिरावास मिले। इंदिरावास में बहुत सारे गड़बड़ियाँ होती है, लेकिन उसको हम लोग दूर करेंगे। और शौचालय जो बढ़रिया में वंचित रह गया पिछले 5 साल में, जो नहीं मिला, वो शौचालय हम बनाने के काम करेंगे। और सारे देख रहे हैं समस्या बढ़रिया में, 5 साल में जल जमाव का बहुत सारा लग गया, जो कि हमारे रिजी में सारे नाले बहुत जर्जर हुआ करते थे, रोड पे पानी लगा हुआ करता था, जो कि एक मिसाल है। हमारे ये स्कूल मध्य विद्यालय बढ़रिया कन्या में जो बच्चे जाते थे पढ़ने, वो जाने में महसूस बहुत कठिनाई से जाते थे। शिक्षक लोग ने हमें जिताया 2011 में। मैं पहले वो मैंने काम किया, जो कि आज स्कूल में सारे शिक्षक और बच्चे बहुत ढंग से जाते हैं और बहुत अच्छे से सब मान सम्मान देते हैं कि सुनील जी ने थे तो बहुत काम किया, लेकिन इस 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, किस तरह से अभी प्रभा देवी ने नगर पंचायत बढ़रिया से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करी है चेयरमैन का, क्या इन्होंने अगर जनता ने आशीर्वाद देकर माला पहनाने का काम करेगी तो किस तरह से अपने नगर बढ़रिया का किस तरह से बेहतर बनाने का काम कीजिएगा? मैं एक ही मेरा लक्ष्य है, विकास करना मेरा लक्ष्य है। और मेरे विकास करने के वजह से ही सारे लोग हमारे ऊपर विश्वास कर रहे हैं। अभी किस तरह से बढ़रिया का रोड का हालत देखा जा रहा है, जैसे पानी जमा हो जा रहा है, उस पर क्या विचार करना चाहेंगे? मैं तो पूर्व मुखिया सीधा मैं उन पर ब्लेम करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई नाला ने उन्होंने साफ नहीं कराया और नाला बनाने का काम नहीं किया, इसलिए रोड पे पानी लग रहा है, सारे लोगों का कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वो मैंने
सबसे पहले प्रथमता रहेगा कि वो हम दूर करेंगे। अभी नल जल योजना के किस तरह से स्कीम आया, हर घर घर पानी देना था, उसमें भी गड़बड़ी बहुत पाया जा रहा है यहाँ पे, उसके विषय पे क्या कहना चाहेंगे? नल जल तो साफ ही फलाफ हुआ यहाँ जी बरहड़िया में, कोई भी ऐसा नल जल नहीं है जो पिछले पूर्व मुखिया द्वारा या वार्ड द्वारा कोई भी नल जल जो नल जल बना उसमें पानी आए। ये मेरा कठोर और निंदीय उन लोगों पर मेरा प्रहार है, उन लोगों ने सारा गड़बड़ियाँ की है, ये मैं खुल्लेआम में कहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से। अभी देखा जा रहा है बरहड़िया में किस तरह से शौचालय की व्यवस्था बहुत बुरी हालत है, उसे विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बार कोशिश भी किया था शौचालय बनाने के लिए, लेकिन नगर पंचायत हो गया है और नगर पंचायत में मेरा दायित्व बनता है। नगर पंचायत ऐसा चीज है जो कि जहाँ भी जमीने हैं नगर पंचायत के और आम गर्मजुरुआ जो कि नगर पंचायत का उतना दायित्व बनता है, उसमें फास्ट पावर दिया जाता है कि उसको खाली कराकर मैं उस एरिया में बहड़िया में मैं बाथरूम और शौचालय बनाने का काम करूंगा। अभी किस तरह से देखा जा रहा है आपने बरहड़िया में, जैसे पीएम आवास की स्थिति गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है, उसमें क्या करना चाहते हैं? मैं जन जन से अपील करूंगा कि आने वाले समय हम पे विश्वास करें, मैं पीएम आवास और जो भी योजना रहेगा मैं उसका पूरा करूंगा, ये मेरा वादा है। सरकार की स्थिति को लेकर भी गरीब के पास नहीं पहुँच पा रही, उसके विषय में क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो बहुत बड़ी भूल है सरकार की कि कितना बना हुआ कार्ड है जो कि गरीबों में नहीं पहुंच रहा है, वही कार्ड है जो गरीबों के लिए कार्ड बना है और वो कार्ड नहीं मिल रहा, वो कार्ड ना मिल रहा है ना राशन भी मिल रहा है। ये मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से कि जो भी कार्ड बना हुआ है वो कार्ड इशू कराकर उस गरीबों पर अन्नदान दिया जाए और राशन को सुचारू ढंग से लागू किया जाए। यहाँ पर विधवा औरत है और वृद्धा पेंशन के लिए तरस रही है, फिर उसको भी पहुंच नहीं पा रहा है, उसे विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसमें खास उद्देश्य यही है कि हमारे जो भी पंचायत निकाय के लोग हैं, मुखिया हैं, वार्ड हैं, उन्होंने साफ काम नहीं किया। एक आदमी विधवा जो होता है, गरीब होता है, दर दर ब्लॉक घूमता है, दर दर ठोकरे खाता है, पैसा वसूली किया जाता है, फिर भी नहीं बनता है, लेकिन उस वो काम मुखिया पिछले मुखिया और वार्ड का काम होता था, लेकिन उन्होंने कोई नहीं काम किया, इसलिए सारे विधवा पेंशन ऐसे ही वंचित रह गई हैं। और आने वाले दिन में हमारे जो भी नए चेयरमैन और हम पे जो विश्वास करते हैं अगर जिताएंगे, सबका मैं काम करूंगा, ये मेरा वादा है। अभी अभी आपने देखा है स्वास्थ्य संबंधी अपने पढ़ारिया में किस तरह हालत का है, गरीबों तक मदद नहीं मिल पाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? स्वास्थ्य के लिए मैं सारे लोग से कहेंगे कि स्वास्थ्य चरमराई हुई है, जो डीएलपी होता है, इशू होता है, अच्छे लोग के लिए सुविधा मिलता है, गरीबों के लिए लूटा जा रहा है। और यही मेरा निवेदन है कि ऐसा व्यक्ति अगर विश्वास करते हैं सारे पंचायत नगर पंचायत के लोग, तो उस पर मैं एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा और जो भी गरीबों को लाभ मिलना चाहिए हॉस्पिटल से, स्वास्थ्य से, वो हम दिलाएंगे और उसके लिए मैं सदा तत्पर रहेंगे। अभी शिक्षा का स्तर देखा जा रहा है कहाँ बरहड़िया में, उस पर क्या विचार करना चाहेंगे? शिक्षा स्तर पहले से सुधरी हुई है, लेकिन हमारा उस पर नज़र पैनी नज़र रहेगी, गरीबों के बच्चे ही जाते हैं सरकारी विद्यालय में, और हम चाहेंगे हमारे शिक्षक लोग से मेरा अपील है और चाहेंगे और तत्पर रहेंगे कि सही समय से आए और विद्यालय सुचारू रूप से चले, जो कि गरीब जो अनपढ़ हैं वो अच्छा उनको शिक्षा मिले, और मेरा यही मांग रहेगा और यही मैं विश्वास करता हूँ कि लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, एराई न्यूज में अपने बरहड़िया की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बरहड़िया की जनता, नगर पंचायत की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सिर्फ विकास पे ही लोग वोट दें, और हम पे अगर विश्वास करते हैं, 5 साल काम किए हैं, लोग विश्वास करता है हम पे, बहुत सारे लोग के उम्मीदें लगी हुई है कि सुनील की माँ जीतेगी, प्रभा देवी, सुनील जी सहयोग करके बरहड़िया नगर पंचायत का चुनाव सब लोग मिलकर लड़ेंगे और उनको विजयी बनाएंगे। और मेरा भी उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी काम रहेगा मैं उन पे खड़ा उतरूंगा, मैं पूरा करूंगा। चलिए मेरे सामने यहाँ पे पब्लिक भी उपस्थित है, किस तरह से प्रभा देवी को देने का काम करेंगे, वोट बनाने का काम करेंगे, ये पब्लिक से हम पर्ची लेंगे। अपना नाम बता। मेरा नाम सुनील गोस्वामी है। अभी प्रभा देवी ने यहाँ पे चेयरमैन से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्या आप वोट देंगे?
क्या भाजपा में भी अगर जीतती है तो क्या यहाँ विकास करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से नीचे विकास लेने का काम करेंगे? मैं कुछ मीडिया के माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो संचार माध्यम मीडिया वालों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज आप ही लोगों की वजह से जितने भी गरीब हैं, असहाय हैं, शोषित हैं, जिनकी आवाज़ आला अधिकारियों तक नहीं पहुँचती है, आप लोग उनकी आवाज़ बनकर है ना उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। और रही बात बड़हरिया नगर पंचायत की विकास की, देखिए पहले बड़हरिया पंचायत था, इसका विकास क्षेत्र जो था वो एक सीमित था। इसके बाद भी विगत पाँच वर्षों में अगर देखा जाए तो विकास का बहुत कुछ कार्य नहीं हुआ, जबकि ऐसा है कि मुखिया जी चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। ये जो जल जमाव की समस्या आप देख रहे हैं, यहाँ नहीं मेरे एक विद्यालय है यहीं पुरानी बाजार में, बच्चों को गांव के लोग उठा करके सड़क पार कराते हैं, ऐसी ऐसी समस्याएँ हैं वहाँ पर। तो ये मुखिया जी को देखना चाहिए था कि हाँ विकास का स्तर क्या है हमारे यहाँ। 5 साल कार्यकाल कम नहीं होता है विकास करने के लिए अगर चाहे तो। और रही बात अब तो इसका विकास क्षेत्र जो है वो बड़ा हो गया, तो बहुत सारे हमारे प्रत्याशी यहाँ पर है ना चुनाव लड़ने के लिए नामांकन उन्होंने कराया है। और रही बात विकास की, तो सारे लोगों जितने भी यहाँ पे प्रत्याशी हैं सबसे मैं एक अनुरोध करता हूँ, चूँकि सभी मेरे अपने जानने वाले हैं और मैं शिक्षक वर्ग से संबंधित हूँ, इसलिए मैं किसी व्यक्ति विशेष के तरफ से तो नहीं बोल सकता, लेकिन सभी लोगों से एक अनुरोध है कि देखिए आप विकास की बातें कर रहे हैं, विकास की बातें होनी भी चाहिए, लेकिन अगर आप जात पात से संबंधित होकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये जितनी विकास की बातें हैं ना ये सब निराधार हैं, इसका कोई भी आधार नहीं है। अगर आप वाकई में विकास करना चाहते हैं, जनता से भी मेरा ये अपील है कि आप वैसे प्रत्याशी को चुनें जो जात पात से हट करके और विकास की ही बात करें। अगर आपको लगता है कि वाकई में ये प्रत्याशी विकास कर सकता है जो जात पात की बात नहीं कर रहा है, सबके साथ मिलजुल कर रहने वाला है, तो आप उसको चुनें, आप उसको वोट दें। अपना नाम बता। मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अभी प्रभा देवी ने चेयरमैन से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी की है, क्या प्रभा देवी को आप लोग वोट देंगे? बिल्कुल, हम लोग उनके साथ हैं हमेशा, क्योंकि मैंने देखा इससे भूतपूर्व हमारे सुनील कुमार जो मुखिया रह चुके हैं उन्होंने विकास का काम किया है, और इसी को देख कर हम लोग चाहते हैं कि इनको फिर से एक बार चांस दिया जाए ताकि बड़हरिया का चौमुखी विकास हो सके। चलिए मेरे समय उपस्थित है, इसे भी परिचय। देखिए यहाँ सारे प्रत्याशी का अपना अपना विकास का एजेंडा है, सभी लोग अपने स्तर से काम करना चाहते हैं, क्योंकि मुखिया जी के साथ मैं इनके घर पढ़ाने भी आता हूँ, यहाँ पे इनके साथ चूँकि फैमिली और मेरा थोड़ा सा है क्लोज है, इनके विकास का जो एजेंडा है वो मुझे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है। और शिक्षित शिक्षक वर्ग से संबंधित हो, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य का नहीं समाज का भी थोड़ा सा ख्याल हम लोग को रहता है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपने स्तर से यही प्रयास करूँगा कि मुखिया जी चेयरमैन स्थापित हो और विकास का काम करें, और हम लोग का भी जो एजेंडा है उसको भी अपने विकास में शामिल करें। प्रभा देवी ने चेयरमैन से चुनाव लड़ रही है, क्या आप वोट देंगे? उनके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, प्रभा देवी के माध्यम से, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम है हिंदुस्तानी, हम है नगर परिषद नगर पंचायत बड़हरिया के निवासी। आप हम मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि प्रभा देवी यहाँ बहुत मार्जिन वोट से जीतेंगी, जिस तरह सुनील जी ने पूर्व मुखिया होते हुए बड़हरिया ग्राम पंचायत का विकास किया है वैसा ही प्रभा देवी भी काम करेंगी। इसके पहले एक और मैं शेयर कर देता हूँ, बने हम हिंद के जोगी रखेंगे शान भारत का, उठाकर प्रभा देवी का झंडा रखेंगे बड़हरिया नगर पंचायत का नाम। अपना नाम बता। प्रभा देवी ने चेयरमैन से चुनाव लड़े, क्या आप वोट देंगे? क्या आप वोट देंगे तो विकास करेंगे? चलिए मेरे समय उपस्थित है, इसे भी पर्चा लेना चाहेंगे। अपना नाम बता। मेरा नाम आदित्य कुमार उर्फ लड्डू है। अभी प्रभा देवी ने यहाँ पे बड़हरिया में चेयरमैन से चुनाव लड़ रही है, क्या इन्हें अपने वोट देकर जिताएंगे, क्या विकास करेंगे? हाँ जरूर। किस तरह से विकास कराने का काम कर रहे हैं? जो भी हम लोग ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए हैं, फाइंड किए हैं, जिसमें नाला भर का जो पानी है, पानी गिरेगा तो रोड पे ही जाएगा क्योंकि नाला का सुविधा है नहीं, तो सबसे पहले हम नाला देखेंगे, उसके बाद सड़क देखेंगे, फिर जगह जगह पे हम लोग शौचालय का भी जो अभी हमारे मुखिया सुनील कुमार बोले हैं उस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे, उसके बाद जो भी हमारा बस स्टैंड है वहाँ पे भी यात्री लोग आते हैं तो उन लोग के लिए खड़ा होने का बैठने का यात्रा पथ भी बनाएंगे।
भरड़िया के जनता से मेरा यही अपील होगा कि आप लोग भारी मतों से हमारे भाई को जिताएं, जो हमारी माँ उठी है बड़ी माँ, उसके बाद हम लोग सारे आदमी मिलके भरड़िया की जनता के साथ विकास करने का काम करेंगे। यही हम लोग का उद्देश्य है कि इस बार विकास करेंगे तो करेंगे। चलिए मेरे सामने यहाँ उपस्थित इन सभी परिचय लेना चाहेंगे, अपना नाम बताएं। मेरा नाम दामोदर प्रसाद जायसवाल। अभी आपने पार्था देवी ने यहाँ चेयरमैन से चुनाव लड़े हैं, क्या वोट देंगे? जी, अगर वोट देकर अगर माला पहनने का काम करेंगे, किस तरह से काम को लेने का प्रयास कीजिएगा? मैं जीताने प्रयास करूंगा। अभी पार्था देवी ने चेयरमैन से चुनाव लड़ रही है, क्या वोट देंगे? क्या जीतेंगे तो विकास करेंगे? बहुत सारा मुद्दा है बड़हरिया में, जैसे फर्स्ट मुद्दा यह है कि बड़हरिया अब नगर पंचायत हो गया। जी जी, समझे। उसके बाद हमारे मार्केट में, हमारे बाजार में एक शौचालय नहीं है, जिससे महिलाओं को बहुत तरह की परेशानियां होती है। तो ये मेरा फल है, मतलब मुख्य से निवेदन रहेगा प्रभा देवी जी से कि मतलब शौचालय बनाने का पहले काम करें। और बहुत सारा काम है, जैसे जल जमाव रोड पर आप देखे होंगे, तो जल जमाव नाली नाला नहीं बनने की वजह से जल जमा होता है। तो जितने सारे काम हैं हमारे नगर पंचायत में, इसको मुखिया जी चिन्हित करेंगे, प्रभा देवी चिन्हित करेंगी। सबसे पहले जो जरूरी है उस पर पहले काम किया जाएगा, इन लोग काम करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। प्रभा देवी ने यहाँ पे नगर परिषद से चुनाव लड़ रही है चेयरमैन का, क्या वो जीतेगी का काम विकास करेंगी? अटूट विश्वास है कि वो विकास करेगी। इससे पहले भी मुखिया जी थे, बहुत विकास किए, और विकास का ही नतीजा है कि आज जनता उनको बिल्कुल सबसे आगे चल रहे हैं।